हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सा टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। स्पेशली आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कि क्या होगा जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम फेंकेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकने से क्या होता है, आज के लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन फायर जो भी कहो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर सही मायने में देखा जाए तो ये एनालोगस है टू द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये पूरी तरह से एनालोगस है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का। देखिएगा, इसमें सारा प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला जो होता है वैसा कुछ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसको कहा गया है एनालोगस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और पहले तो हम डेरिवेशन पार्ट करेंगे। डेरिवेशन पार्ट में ज़्यादा कुछ समय नहीं लगने वाला है, मान लीजिए 15 से 20 मिनट के अंदर में ये डेरिवेशन पार्ट इसका खत्म। उसके बाद जो चीज़ होने वाला है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, उस पर टेस्ट हम लोग काफ़ी अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे, 7-8 न्यूमेरिकल्स कम से कम करेंगे और काफ़ी अच्छे से उसको आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट इस टॉपिक का क्लियर हो सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सपोज करो, जस्ट अ रिवीजन 2 मिनट का प्रीवियस लेक्चर का, सपोज करो कि मान सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसके अंदर एक हम निगेटिव पार्टिकल को रखते हैं, निगेटिव पार्टिकल इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, किस तरफ फोर्स लगेगा, बताया था कि अगर निगेटिव पार्टिकल को रख देंगे तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल रखें तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, मतलब कि आइदर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा या फिर उसके अपोजिट में लगेगा, इसके अलावा कोई डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट का आज हम इस्तेमाल करेंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। एक डायपोल पर रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, डायपोल पर ऊपर कोई भी चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स दिखाया थे, निगेटिव चार्ज इस तरफ तो अपोजिट में फोर्स का दिखाया थे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने जस्ट रिविजन के तौर पर बता दिया, तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अब सवाल है चार्ज पार्टिकल में क्या है, इलेक्ट्रॉन ले प्रोटॉन ले कुछ भी लो, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं आने वाला है, डेविएशन में अंतर रहेगा, उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। देखते हैं क्या डिफ्लेक्शन होता है। तो मान लो कि यहाँ पर एक प्लेट रखा गया है, ये प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 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 चार्ज है। ठीक है, और एक यहाँ पर हमने निगेटिव प्लेट रखा, निगेटिव प्लेट जिस पर चार्ज मिल गया माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब हम इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो आपको पता है डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये हमने एक प्लेट रखा जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिया, एक पर निगेटिव चार्ज दिया, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ तक सही है। चलो ये क्या है, प्लेट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटर भी हम लोग पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसमें ये प्लेट को चार्ज किया जाता है, ये चार्ज कर दिया पॉजिटिव से और यहाँ पर हम दे रहे हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से
यहां से मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं जिसका मास मान लेते हैं m है, और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेंकेंगे। चल देखते हैं फेंकने से क्या होता है। यहां पर ऐसे इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े और ऐसे कहते हैं ब्रेस केमिस्ट्री याद है ठीक है, तो वैसे ही कुछ है ठीक है। चलो यहां से आप इसको फेंक रहे हैं तो ऐसे स्टेट जाना चाहिए। अच्छा बताओ कोई भी पार्टिकल के स्टेट जाना चाहता है, ये भी चाहे इलेक्ट्रॉन है स्टेट जाना चाहे, चलो इसको स्टेट पाथ पर पहले मार्क कर देते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है इस बेचारे को। तो हम इस तरह से इसका पढ़ लें ये डायरेक्शन को, ये स्टेट जाना चाह रहा था, मान लो स्टेट जाना चाह रहा था, स्टेट ऐसे जाना चाह रहा था, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास कर रहा है तो इसमें क्या होगा डिफ्लेक्शन। और थोड़ा नीचे से ले लेंगे और थोड़ा नीचे से लेते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और थोड़ा नीचे से लेते हैं यहाँ से ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मास इसका एम है, यहाँ से इसको फेंके ऐसे तो जाना तो चाहे वैसे स्टेट, स्टेट ऐसे जाना चाहेगा ये बट जाएगा नहीं। क्या होगा जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फेंकोगे यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया उस पर एक फोर्स लग जाएगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया वहाँ पर एक फोर्स लग जाएगा। यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी मार्क कर दिया, क्या फोर्स लगेगा। तो अब देखो ये निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा पॉजिटिव डिओटर्न होगा, या एक और चीज समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन ये है तो फोर्स इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में ठीक है। तो चलो यहाँ पर इस पर फोर्स लगेगा, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ठीक है। कितना फोर्स लगेगा हमने बताया कि फोर्स कितना लगता है चार्ज पार्टिकल पर जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो QE, क्या नाम है QE, तो चार्ज यहाँ क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन E है, E कोण E सपोर्ट करके चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पर जो फोर्स इस पर लगेगा यही इस पर दिख रहा है, यही इस पर फोर्स लगेगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में F इज इक्वल टू E फोर्स लगेगा ठीक है। E को हम यहाँ क्यू ई भी लिख सकते हैं, क्यू का मतलब चार्ज हो जाएगा, क्यू ई टू ई भी लिख सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन माने हैं तो ई का फोर्स लगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा कितना ई ई ठीक। अच्छा बताओ तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या, इस डायरेक्शन में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल पर आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा या उसके अगेंस्ट में लगेगा। अगर पॉजिटिव पार्टिकल थ्रो करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, निगेटिव पार्टिकल को थ्रो किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में भी लगेगा जैसे हमने स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस किया था ठीक है। हाँ तो आते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन, बताओ y एक्सिस के अलोंग में इसका फोर्स लग रहा है तो y एक्सिस के एक्सेलरेशन का आप देखते हैं कितना होता है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाय मास ठीक है। फोर्स कितना e का फोर्स लग रहा है, e बाय मास कितना माने हैं इलेक्ट्रॉन का ये, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं इस एक्सेलरेशन को ay, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आ गया हमारा ई बाय एम ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस निकालो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा क्या, जिसको ए एक्स कर दो जीरो, क्या होगा जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगा है, फोर्स तो इसको इस डायरेक्शन लगा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कोई और डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा नहीं,
ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में तो फील्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना, इस तरफ नहीं होता। तो ये दोनों चीज ay और ax हमने यहां कैलकुलेट कर लिया। पढ़ना क्या है आपको इसमें, पढ़ना क्या है कि जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखेंगे ये स्टेट तो जान नहीं पाएगा, यहां से इसका पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा, यहां से इसका पाथ चेंज, ठीक है, यहां से इसका पाथ ऐसे चेंज हो गया। तो आपको इसे पढ़ना क्या है, डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो अपना स्ट्रेट पाथ था उससे कितना डिस्टेंस वो डिफ्लेक्ट कर गया, यही इसमें आपको पढ़ना है। मतलब मान लो कि ये हमारा वाई है, यहां से यहां तक ये वाई है, यही डिफ्लेक्शन इसका मान लेने में हुआ, यही डेल्टा वाई मान ले, डेल्टा वाई का डिफ्लेक्शन हुआ, हाँ जी, जैसे इसको लेके सीधा नहीं जा करके ऐसे कर गया, है ना, पॉजिटिव लेफ्ट को टर्न कर गया या फिर का लो ऊपर की ओर को लेकर को ऊपर को टर्न कर दिया, ठीक है। अब हमको ये जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा वाई का डिफ्लेक्शन, यही हमको पढ़ना है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन डेल्टा वाई क्या होगा, यही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो डिफ्लेक्शन डेल्टा वाई का वैल्यू क्या होगा, क्या फार्मूला बनेगा, तो फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन कितना अपना ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट कर गया, और एक चीज पढ़ना है डिफ्लेक्शन थीटा, मतलब कितना एंगल बना करके वो डिफ्लेक्ट किया, ये दोनों चीज आपको पढ़ना है, एंगल एट विच इलेक्ट्रॉन इमर्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, कर सकते हैं थीटा मतलब क्या, वो थीटा मार्क करेंगे, थीटा क्या हुआ यहां ऐसे जा रहा था, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये जो एंगल हुआ ये थीटा हुआ, ठीक है, कितना एंगल से डिफ्लेक्ट कर लिया ये पढ़ना है। तो ये दो चीज पढ़ना है, डिफ्लेक्शन बाय डेल्टा वाई और एंगल थीटा एट विच इलेक्ट्रॉन इमर्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा का मतलब। चलो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन दोनों एक्सिस के लॉन्ग निकाल लिए, तो y एक्सिस के लॉन्ग एक्सप्रेशन कितना हुआ, x एक्सिस के लॉन्ग एक्सप्रेशन कितना हुआ, और हमको ये दो चीज पढ़ना है, बस कहानी खत्म, खत्म नहीं है, शुरू हुआ है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं x और y एक्सिस की ओर बढ़ते हैं, इधर along x एक्सिस और इस तरफ हम बढ़ जाएंगे along y एक्सिस, दोनों एक्सिस की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा x एक्सिस यहां से यहां का डिस्टेंस ये x मान लो, x डिस्टेंस, लेंथ ऑफ प्लेट l भी मान सकते हो, लेंथ ऑफ प्लेट को आप l भी मान सकते हो, ठीक। और इसको इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया गया था वो मान लो इनिशियल वेलोसिटी u था, क्या था u, इनिशियल वेलोसिटी या v नॉट मान लो, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के साथ इसको हम थ्रो किए थे, ठीक है, तो ऐसे भाग गया। चलो अब x एक्सिस और y एक्सिस को हम थ्रो देना है और कुछ नहीं करना है, तो आगे को देखते हैं करके। तो चलो हम इसमें आते हैं, s इक्वल डिस्टेंस कवर निकालते हैं, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर s इक्वल क्या होता है ut plus half at square। अब x एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए सारा ये डिस्टेंस भी x एक्सिस के लॉन्ग, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, सारे एक्स एक्सिस से अलोंग कर लेंगे। अब क्या-क्या है प्रूव करो, एक्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये भी डिस्टेंस मैं कवर किया एक्स का, तो यहां पर हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वी नॉट, वी नॉट के साथ हम इसको ऐसे प्रूव किए तो हॉरिजॉन्टली प्रूव किए तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा है वी नॉट इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, देखो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो क्योंकि एक्स एक्सिस में फोर्स ही नहीं लगा था, इनटू टी स्क्वायर, यहां से ये खत्म, तो टी का वैल्यू आ गया एक्स बाय टी नॉट,
मतलब टी टाइम ये यहां से यहां तक ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम वाई एक्सिस पर बढ़ते हैं, यहां पर ई को अप्लाई करो, एस इक्वल टू यू प्लस आप एटी एस पर यहां, और सारा वाई एक्सिस के लॉन्ग का ले लेंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग का लिए थे वाई एक्सिस के लॉन्ग का ले लेंगे, ठीक है। जब यहां से हम अप्लाई करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी एस स्क्वायर, अब ये वाई एक्सिस का लॉन्ग लेना है, ये सारा वाई एक्सिस के लॉन्ग का लेना है, y एक्सिस के लॉन्ग। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना था, हम तो ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रो किए थे ना, ऐसे किए थे y एक्सिस पे नहीं किए थे, बाद में जाकर जो y एक्सिस के लॉन्ग की वेलोसिटी हो गया, बट इनिशियली तो y एक्सिस में नहीं ड्रो किए थे, हमने ऐसे ड्रो किया ऐसे, तो हॉरिजॉन्टली ड्रो किया ना, x एक्सिस के लॉन्ग हमने वेलोसिटी दिया, y एक्सिस के लॉन्ग की वेलोसिटी नहीं दिया, बट आफ्टर सम टाइम जब वो नीचे की ओर टर्न होगा या ऊपर की ओर जाएगा तब जाकर के उसका वर्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगा, बट शुरुआत में इनिशियली हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, इसलिए ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो नहीं है हमारा शुरुआत का, प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, देखो कितना आया था y एक्सिस पे फोर्स लगा था तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, कितना e बाय m into t square, distance along y axis आ गया s y is equal to, ये तो खत्म, कितना आ गया बोलो half into e by m into t square, t का भी यहाँ से लो x by t नो x by t नॉट का square, ठीक है, करके हाफ इनटू ई बाय एम इनटू टी के जगह पर एक्स बाय बी नॉट का स्क्वायर, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कितना कवर किया हमने, ये डेल्टा वाई माना है, ठीक है। अच्छा ये वाला टाइम हम इसमें क्यों पुट कर दी, एक्स एक्सिस वाला टाइम इसमें क्यों पुट किए, क्यों पुट किए, प्रोजेक्ट एंगल तो हमारी जितना समय में ये यहां से यहां तक आएगा उतना ही समय में ये डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, जितना समय में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करेगा कवर उतना ही समय में ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, सो यहां का टाइम यहां बनेगा ये तो पता था, ठीक है। तो आ जाओ यहां से डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस कितना कवर किया, डेल्टा y है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर बढ़ चल लिख देते हैं यहां से, हम डेल्टा y इज इक्वल टू हाफ e बाय m इनटू x बाय v नॉट का स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला आ गया डिफ्लेक्शन के लिए, यही था ना डिफ्लेक्शन डेल्टा वाई, ये फार्मूला आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना से डिफ्लेक्ट किया यही फार्मूला हमारा है। इस फार्मूला को एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं और देखो क्या आता है, हाफ इंटू ई बाय एम इंटू इंटू बी नॉट का स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं किए, बी नॉट को इधर साइड कर दिए, एक्स स्क्वायर साइड कर दिए, ऐसा इसीलिए किए इस पूरे को इस पूरे को कांस्टेंट मान लेते हैं, इस पूरे को एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं, ठीक है, k मान लो आई टू एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा वाई इक्वल क्या आ गया k इनटू एक्स स्क्वायर, देखो तो x का स्क्वायर में आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x स्क्वायर है ना, सो कह सकते हैं दिस इक्वेशन शोस दैट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आप प्रोटॉन भी कर सकते हो, ठीक है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैराबोलिक, this equation shows, ठीक है, so by the way k into x square सिर्फ ये represent कर रहा है कि parabolic path होता है, देखो लोग कवर किए ना ऐसे, ये path क्या है parabolic कैसे होता है, कैसे होता है, like ये path ये path है ना, ये सब parabolic है ना, ठीक है, चलो आप वाले से आप जो 9-10 भी पढ़े हो कि path of quadratic equation ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है, ठीक है, हाँ,
चलो ये भी हमारा डिफ्लेक्शन के लिए आ गया, डिफ्लेक्शन का कहानी तो खत्म हो गया, डेल्टा वाई का फॉर्मूला आ गया हाफ ई बाई एम एक्स बाई डी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं हाफ इंटू ई बाई एम इंटू एक्स बाई डी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हाफ ई बाई एम इंटू एक्स बाई बी नॉट का स्क्वायर। अब हमको थीटा निकालना है एट विच एंगल इट मर्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो इसको देखो, कुछ करना नहीं भाई, यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी बी नॉट के साथ प्रूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको पता है ये पॉजिटिव पार्टिकल है सॉरी निगेटिव पार्टिकल है, तो कोई भी प्लेन के उतर होगा एक कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट आप ये भी लगा सकते हो ये निगेटिव पार्टिकल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन तो वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन निकाल दिया, अच्छा एक्स डायरेक्शन तो फोर्स लगा नहीं एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब इसी को हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की ब्रेक कर दिए, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग निकाल दिए, यहाँ से टी निकाल लिए, यहाँ से टी निकालने के बाद यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर दिए तो हमको डिफ्लेक्शन पता चल गया डिस्टेंस कवर्ड इन बाय डायरेक्शन, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो अब हम ये डिफ्लेक्शन ये थीटा निकालेंगे एंगल डाले डाले इसको, चलो इसको हम थीटा डाले, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जगह बना ले इसी जगह, इसी जगह जगह बना लेते हैं फॉर दूसरा सेकेंड नंबर एंगल एट विच इट इमर्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंगल एट विच इट इमर्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो इतना सा जगह ले ले रहे हैं इसी बोर्ड पर और मेरी इतना जगह में हो जाना चाहिए, ठीक है, हाँ तो आ जाओ यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे गया तो यहाँ पर आ जाओ इस पॉइंट, देखो शुरुआत में तो इनिशियल वेलोसिटी का y एक्सिस के लॉन्ग था नहीं, लेकिन जैसे ही ये कर्व हुआ y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी आ गया, y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी आ गया, x में तो है ही तो y एक्सिस के लॉन्ग आ गया, ठीक है। तो हम निकालते हैं कि इस t टाइम में यहां जैसे ही पहुंचा तो इसका वेलोसिटी क्या था, x एक्सिस के लॉन्ग एंड y एक्सिस के लॉन्ग दोनों, ठीक है। तो चलो x एक्सिस के लॉन्ग यही इसका वेलोसिटी था, x एक्सिस के लॉन्ग यहां पर वेलोसिटी, x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी मान लो vx, ठीक है, और y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी हम मान रहे हैं vy, ठीक है, x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी vx, y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी vy यहां पर, ठीक है। अब इस चीज को हम इस फिगर को थोड़ा सा यहां पर उतार रहे हैं, ठीक है, देखो यही है ना, ठीक है, इधर मान लेते हैं vx, x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, और इधर मान लेते हैं vy, y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, यही एंगल को पता करना है कितना एंगल से इमर्ज किया, ठीक है, इमर्ज जाओ, तो चलो ये दोनों वेलोसिटी हमको पता करना है, तो चलो v इस पर u वेलोसिटी लगाते हैं, है ना, फाइनल वेलोसिटी है ना निकालने के लिए क्या करते हैं u इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन u टाइम, तो आ जाओ फिर यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस का फील्ड खेलेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस का फिर से यहाँ फील्ड खेलेंगे, फिर जाएगा इधर से मिल जाएगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, चलो ऐसा करते हैं इसको हम मिलाते हैं, ठीक है, एंगल के लिए नेक्स्ट केस,
सेकंड लिखने जा रहे हैं हम लोग एंगल थीटा एट विच इट इलेक्ट्रॉन है इमर्जेस आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। उस फिगर को यहां पर बताते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे यहां पर आ जाएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी dx और वर्टिकल क्या है वेलोसिटी, तो इस फिगर को थोड़ा सा यहां बना लेंगे, ये x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, ये y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, ठीक है, और ऐसे इमर्ज किया, ठीक है। चलो अब हम यहां भी x एक्सिस और y एक्सिस का खेल खेलेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, यहां भी x एक्सिस और y एक्सिस का खेल खेलते हैं। चलो फार्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी को पता करना है, ठीक है, जिसके साथ कोई इमर्ज कर रहा है, v = u + kt होता है, ठीक है। अब ये x एक्सिस के अलोंग काम कर रहे हैं, तो यहां भी x डालो, यहां भी x डालो और यहां भी x डालो, एक्सप्रेशन अलोंग x एक्सिस आपको पता है, एक्सप्रेशन अलोंग x एक्सिस 0, सो vx इज इक्वल टू हो गया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल है, अब ये फाइंड है, जिसे को फाइंड आउट करना है, x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जिस वेलोसिटी से हमने शुरू किया था, तो v नॉट था इनटू इंडिविजुअल प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, उधर तो फोर्स ही नहीं लगा ना, तो चलो vx का वैल्यू मेरा आ गया, vx का वैल्यू v नॉट, प्रोजेक्ट एंगल होता है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट एंगल हो या वर्टिकल प्रोजेक्ट एंगल हो, क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, बट वर्टिकल वेलोसिटी गोस ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना, चेंज होता है उसमें, क्यों होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों सेम रहता है, बिकॉज कि जो ग्रेविटेशन का जो ग्रेविटी जो वर्क करता है हॉरिजॉन्टली तो वर्क करता नहीं है, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वो हॉरिजॉन्टल तो वर्क करता नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो फाइनल वेलोसिटी वही रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हां y एक्सिस के अलोंग करता है इसलिए वो वाला वेलोसिटी चेंज होते जाता है, तो यहां भी वही करना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर गिवन से बट वर्टिकल वेलोसिटी विल चेंज, चेंज करें कितना आ गया, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं v = u + kt इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, अब ये अलोंग y एक्सिस पर जा रहे हैं तो सारे को यहां पर y एक्सिस लगा दो, y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है, हाँ अपुन कर दो, ये तो हमको निकालना है, तो vy is equal to हो गया initial velocity along y axis, initial velocity था ही नहीं ना y axis के along, वो तो हम देखे नहीं थे, कहाँ से लाते हैं, acceleration along y axis, e by m into time, हाँ अब यहाँ सवाल टाइम कब है, टाइम कितना कितना टाइम लगा था x by v not, यहाँ भी अब देख इसमें टाइम निकाला नहीं, टाइम तो इसमें कैलकुलेशन किए थे x by v not, वही x by v not, x by v not, तो आ गया हमारा वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आफ्टर टाइम t, t e by m into x by v not, अब चल यहां हमारा ये एंगल थीटा था, अच्छा देखो तो ये हमारा dy था वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो इसको यहां ले सकते हैं क्या, ये भी हमारा हो जाएगा dy और ये हमारा dx है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस आफ्टर टाइम t, अब यहां से tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं क्या, tan थीटा इज व्हाट, क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अब यहां से हम tan थीटा का एप्लीकेशन करते हैं dy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस बाय वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, मतलब दिस डिवाइडेड दिस परपेंडिकुलर बाय दिस, तो dy का वैल्यू ये डिवाइडेड dx का वैल्यू ये, दोनों पुट कर दो, पुट कर दो क्या आएगा, e
पाई एम इंटू एक्स पाई बी नॉट, और इससे डिवीजन करना है डिवाइडेड बी नॉट, ठीक है। तो फाइनल क्या आ जाएगा, बी नॉट वन बाई बी नॉट बन गया, बी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, आ गया हमारे से यहाँ से ई पी बाई एम इंटू एक्स बाई बी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ई बाई एम इंटू एक्स बाई बी नॉट का स्क्वायर, तो ये हमारा टेन थीटा का वैल्यू आया। तो आपका निकलेगा टेन थीटा, थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स लगा तो उधर जा करके, या आपको पहले इसका कैलकुलेशन करोगे ना, जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो सपोज करो ये आपका कैलकुलेशन किया तो वन आया, तो टेन थीटा इक्वल टू वन, तो वन कितना वैल्यू होता है 45, तो टेन 45 थीटा 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर सपोज करो कि आप ये कैलकुलेशन किए एज पर योर गिवन कंडीशन क्वेश्चंस में, आपका रूट 3 आया, सपोज कर लेट लेट, तो टेन कितना डिग्री से रूट 3 होता है 60 डिग्री, तो टेन 60 फॉर्म कर लीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 60, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर मान लो कि आपको वैसा वैल्यू आ गया 10 आ गया, तो टेन इनवर्स लगा दोगे 10, तो थीटा का वैल्यू ये आ गया आपका, ठीक है, ए बाई एम इंटू एक्स बाई बी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिख लें ई बाई एम इंटू एक्स बाई बी नॉट का स्क्वायर, टेन थीटा इक्वल टू ई बाई एम इंटू एक्स बाई बी नॉट का स्क्वायर। बस ये दो चीज पढ़ना था आज के लेक्चर पार्ट में, ठीक है, दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये दो चीज आज के लेक्चर पार्ट में पढ़ना था। देखो ऐसे एक्चुअली देखा जाए पढ़ना तो और भी चीज है, मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट आ जाएगा, तो बट वो आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। एप्पल की आप क्लास 12 देखो तो आपका ये उससे ऊपर का चीज है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस हम रिफ्लेक्शन बता रहे हैं और कितना एंगल से इन्वर्स किया वो बता रहे हैं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीज़ अगर करने लगे तो फिर उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कभी हमने दिया नहीं आपको, है ना, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ भी वो सब करने लगोगे, काइनेटिक एनर्जी करने लगोगे तो इससे पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि अभी हम आपको बताए नहीं है। मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रॉन का फोर्स एक्सपो निकालना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का हाफ इक्वेट टू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी यहाँ पर जो भी आया है आपका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम रिफ्लेक्शन बता रहे हैं, डेल्टा वाई एंड एंगल एट विच इट इमर्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमारा आज का लेक्चर का थ्योरी पार्ट, डेरिवेशन पार्ट खत्म, अब बारी है न्यूमेरिकल्स का, ठीक है, चलो सुनता है। हाँ क्या है, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और एंजॉय करेंगे न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चंस का। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बनाए थे प्लस 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 करते थे, यहाँ पर माइनस 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 डायरेक्शन ये था, यहाँ से हमने थ्रो किया था। अगर हमने प्रोटॉन को फेंकेंगे, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को फेंके थे उसमें, अब ये प्रोटॉन को फेंक रहे हैं यहाँ से, ठीक है, मास उसको भाई क्या होगा, ये जाना कैसे जाएगा, स्टेट स्टेट जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन में ऊपर भी एक फोर्स लगा था, प्रोटॉन में नीचे भी एक फोर्स लगेगा,
मतलब कि जैसे ये अंदर जाएगा, जैसे ही अंदर ये जाएगा इंटर करेगा तुरंत निगेटिव इलेक्ट्रॉन टर्न हो जाएगा। दो तरह से आप समझ सकते हो इसका टर्निंग, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है तो निगेटिव उठा लेगा, पॉजिटिव तो उठा लेगा ना, सेंटर को ले बाद रिपल्सन हो जाएगा। एक तो सेंस आपका ये बहुत समझने का किधर भागेगा, दूसरा सेंस हो गया फोर्स लगने का। तो आपका पॉजिटिव पार्टिकल है तो फोर्स किधर लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी है इधर होगी ना। अगर इलेक्ट्रॉन बनता तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ये है तो अगेंस्ट ऐसे भागता। तो एक तो आप डायरेक्शन से समझ सकते हो और दूसरा अपोजिट चार्जेस है ना, अपोजिट चार्जेस क्या करता है अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव वाला प्लेन खींच लिया, अगर निगेटिव बदल जाता बस सारा पानी वही रहेगा। डिफ्लेक्शन क्या होगा इसमें, डिफ्लेक्शन ये होगा फॉरवर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है डेल्टा वाई, ठीक है। डिफ्लेक्शन कितना एंगल से हो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ तो आज हम एक बहुत अच्छा और भी प्रचलित क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा, सारे बुक मिल जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखने से तो लगेगा कि क्या है क्या नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड लग गया, देखते हैं फिगर पर है कुछ नहीं, इतना ही सिंपल भी है, जितना कॉम्प्लिकेटेड देखने लगेगा उतना ही सिंपल काफी सिंपल, ठीक है। इसमें तीन पार्टिकल का पाथ दिया हुआ है, ठीक है। एक ऐसे दिया है, देखो ऐसे फेंका गया था, आपको बताना है कि किसमें मोर डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन पार्टिकल का पाथ हुए बनाया, इसमें तीन पार्टिकल का पाथ बनाया, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा क्या क्या बताना है, पहला क्वेश्चन डिटरमाइन डिटरमाइन द चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज पहला, विच चार्ज शोज मोर डिफ्लेक्शन, किसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। किसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। हाँ तो आ जाओ देखो, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये लाइन पॉजिटिव की ओर टर्न हुआ है, इसका मतलब वो निगेटिव पार्टिकल तभी तो अपना उल्टा की तरफ भागा, ठीक है। या आप ये समझ सकते हो कि इसमें फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ना पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और इसमें फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में, ऊपर की ओर भाग रहा है, क्या होगा निगेटिव चार्ज हुआ। या ऐसे समझो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो बन जाएगा निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब कि वन एंड टू बहुत बार। तो आंसर भी लिखेंगे, आंसर लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पहला, दूसरा एंड एंड थर्ड जो हमारा है थर्ड इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तभी तो निगेटिव की ओर भागा, पॉजिटिव था तभी तो निगेटिव की ओर भागा। अब डिफ्लेक्शन की बात है, इसका ज्यादा रिफ्लेक्शन है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का। चलो देखो इसका एक्चुअल पाथ देखो, ऐसे जाना चाह रहा ये लाइन कैसे जाता बेचारा 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 ऐसे जाना चाह रहा था बट भाग गया बेचारा ऊपर, ये कैसे जाना चाह रहा था ऐसे जाना चाह रहा था, किसका ज्यादा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन, इसका ये डिफ्लेक्शन, इसका मात्र इतना सा डिफ्लेक्शन,
ठीक है, कहीं देखो यहाँ इतना सा, इसका इतना सा डिफ्लेक्शन, मतलब सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन है ये थर्ड वाले का। तो कह सकते हैं कि थर्ड शोज मोर डिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई कह सकते हैं कि यू बाई एम, ई बाई एम या कह लो आप ई बाई एम रेशियो मोर। इस थर्ड वाले पार्टिकल में E by M का रेशियो बड़ा है, जिसमें E by M का रेशियो बड़ा होगा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिस ऐसे भी देखने से पता चल रहा है कि थर्ड वाले में डिफ्लेक्शन ज्यादा है, E by M का और या Q by M का, E यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन लिया था डेरिवेशन, इसलिए E by M लिए, E एक्चुअली क्या है चार्ज तो है ना, E by M भी कह सकते हैं। तो जिसका E by M रेशियो बड़ा, जिसका Q by M रेशियो बड़ा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा, ठीक है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला में आया ना डेल्टा वाई कर लो, क्या आएगा डेल्टा वाई, डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई देखिएगा, हां कौन सी डेल्टा वाई कौन वेल, डेल्टा वाई इक्वल टू आया था ई बाय एम इनटू एक्स बाय वी नॉट का स्क्वायर। देखो तो यहां ई बाय एम आया लेकिन मतलब क्यू बाय एम, ई का मतलब मेरा क्यू से सेंस लेना है ना, इलेक्ट्रॉन लेयर में इसलिए लिखिए ई बाई एम इसमें आया। अच्छा एक और देख लो उसका फॉर्मूला क्या आया था, उसका 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 टेन थीटा वाला, टेन थीटा वाला क्या आया था ई बाई एम इंटू एक्स बाई वी नॉट का स्क्वायर आया था, इसमें भी ई बाई एम आ रहा है। दोनों तरफ का जो डिफ्लेक्शन है, एंगुलर डिफ्लेक्शन को हो या लीनियर डिफ्लेक्शन को हो, दोनों केसेस में आपको ई बाई एम चीज दिख रहा है, इसमें भी ई बाई एम दिख रहा है, इसमें भी ई बाई एम दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया होगा कि ई बाई एम जिसका बड़ा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा, ई बाई एम जिसका बड़ा डिफ्लेक्शन ज्यादा। ऐसे ही पूछ सकता है व्हिच चार्ज पार्टिकल इज शोइंग मोर ई बाई एम रेशियो, तो आप जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा देखो ज्यादा शो कर रहा है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, इसका लें चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हाँ पेंडुलम का केस लेते हैं, पेंडुलम पेंडुलम बेस क्वेश्चन लो। देखो यहाँ पर मान लो, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ठीक ठीक, चलिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर हमने निगेटिवली चार्ज पार्टिकल लिया, ठीक है हाँ। अब क्या किया, पहले चार्ज लिया, पहले चार्ज यहां से, ठीक है। पैरेलल प्लेट क्या कंसीडर है, जिसका प्लेट अभी अनचार्ज है, क्या है ये अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसमें एक पेंडुलम को रख दिए, एक पेंडुलम, एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिए इसमें, ठीक है। चार्ज पार्ट चार्ज अपनी दिए प्लेट पर मस्त एकदम ऐसे ऐसे ये करता है अपना, ठीक है। देखो यहाँ पर भी चार्ज हमने नहीं दिया है तो मस्त ऐसे ऐसे अपना ऑसिलेट कर रहा है, टाइम पीरियड इसके ऑसिलेशन का मान लेते हैं कि लेट, टाइम पीरियड कितना है टी है, इनिशियल जब ये चार्ज नहीं है, जब ये चार्ज नहीं है तो टी टाइम में मस्त
ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि जब चार्ज की प्लेट नहीं है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर है नहीं। ठीक, बिल्कुल अच्छा। अब हम इस पर प्लेट पे चार्ज दे रहे हैं, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, अब चार्ज दे दिए। और इस पर ये बॉब जो था, बॉब पर हम मास ये चार्ज दे दिए क्यू, यानी ये बॉब बॉब के ऊपर चार्ज क्यू दे दिए, यानी ये चार्ज क्यू प्लस। ठीक है, इस पर हम प्लस क्यू का चार्ज देते हैं। अब बताओ कि क्या टाइम पीरियड वही रहेगा, व्हेन व्हेन चार्ज, व्हेन प्लेट्स आर चार्ज, व्हेन प्लेट्स आर चार्ज, तब टाइम पीरियड, देन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मान लो इसका टी लेस था, जब चार्ज कर दिए तो टाइम पीरियड इसका टी लेस होगा। बताओ, जब चार्ज कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो आपको बताना है कि क्या जब हम चार्ज कर देंगे इसको, प्लेट्स को, और इस पर चार्ज हम इस बॉब के ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिए बॉब के ऊपर, तो क्या टी बाई टी लेस का रेशियो क्या होगा, या नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी लेस इक्वल टू क्या होगा, क्या पहले के जैसा रहेगा या फिर कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो प्लेट लेते हैं हम लोग, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पहले अनचार्ज था, तो उस केस में एक हम उसके बीच में लटका दिए पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड मान लिए टी है, प्लेट्स को चार्ज कर दिए, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव एज शोन इन फिगर है, और उसके बाद इस पर बॉब के ऊपर एक प्लस चार्ज दे दिए। ठीक है, तो अब देखना है कि टाइम पीरियड हमारा होगा क्या होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड व्हेन द प्लेट्स आर चार्ज एज शोन इन फिगर एंड आल्सो बॉब हैज बीन आल्सो चार्ज एज शोन इन फिगर, प्लस क्यू हमने इस पर दे दिया, तो क्या चेंज होगा इन टाइम पीरियड, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, आजो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं बाबा, क्या 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, फॉर्मूला जानते हैं टाइम पीरियड का। अब यहां से आते हैं, हाँ, इस पर इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है पर ये देखेंगे, कौन कौन सा फोर्स यहाँ पर लग रहा है पर ये देखेंगे। अब बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन मतलब इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, यहाँ एक एफ टी एफ फोर्स लगेगा। दूसरा, इस पर एक्सेलरेशन एक काम करेगा, एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी भी काम करेगा, है ना, मतलब अर्थ अपनी ओर बॉब को खींचेगी, अपनी ओर खींचेगी, तो वो कितना mg से पृथ्वी अपने इसको खींच रही है, तो नेट फोर्स इस पर कितना हो गया, ये प्लस ये, दो तरह का फोर्स इस पर लग रहा है। इन दिस केस टू टाइप्स ऑफ फोर्स इज वर्किंग, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या हुआ, ये इसको नीचे की ओर खींचेगा, है ना, या पॉजिटिव है ना, इन द डायरेक्शन फोर्स लगेगा पहला। दूसरा हो गया ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg, वो भी नीचे की ओर, तो दो दो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो इस फोर्स की वजह से और एक इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आ जाए यहां से। नाउ यहां से हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया लोग, mg प्लस ft, mg प्लस ft। ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, q / t। ठीक है, और नेट फोर्स यहाँ मान लेते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एम हटा दो, इस तरफ ला दो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे इसमें, और नेट एक्सेलरेशन एम जी डैश मान लो नीचे क्यों है ना, जी डैश क्या हो गया, जी प्लस क्यू ई बाई एम, यही नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा दिस बॉब पर, एट दिस बॉब यही हमारा नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा।
ठीक है, ऐसे भी सोचो ना आप, एक तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी होता है, ठीक है, और दूसरा इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन फोर्स लगा था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है ई बाई एम किए थे ना, तो देख लो तो ई बाई एम क्यू चार्ज करके क्यू बाई एम आप प्लस नीचे वाला एक और एक्सेलरेशन, तो टोटल यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो जी डैश मतलब कि नेट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ हमारे ये हुआ। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, नाउ टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू 2π रूट अंडर एल बाई जी का मतलब क्या, जी का मतलब यहाँ जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव जी इफेक्टिव इसको लिखते हैं, जी इफेक्टिव इफेक्टिव कितना हो गया नेट करंट मतलब नेट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो ये हो गया आपका जी प्लस क्यू ई बाई एम, यही आपका टी डैश का वैल्यू आया, ठीक है, यही आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 2π रूट अंडर एल बाई जी प्लस क्यू ई। यार सोचो ऐसे सिंपल सा चीज है, जब एक नीचे की ओर फोर्स लगा है पार्टिकल वो नीचे की ओर टर्न खींचेगा ना, वो इसी पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल है, जिस पर किधर फोर्स लगा है अलोंग द डायरेक्शन लगा इधर, तो इधर की ओर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ई बाई एम या क्यू ई बाई एम, और एक जी नीचे की ओर वर्क कर रहा है तो जी कोई डायरेक्ट हम लिखिए ऐसे फोर्स के टर्म में करके आपको दिखा, बट आप डायरेक्ट लिख सकते हो जी प्लस क्यू ई बाई एम लिख सकते हो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज हियर। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और सेम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी का लघु के दो रन, एक और आप देख लो इसमें लघु के दो रन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मान लो ये सेम सिचुएशन लघु के दोलन क्या यहाँ पर तो ग्रेविटी भी वर्क कर रहा था, एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी जी की वर्क कर रहा था, जी की भी फोर्स लग रहा था, यहाँ पर हम मानते हैं ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्या ये ग्रेविटी फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मान लेते हैं ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई लफड़ा है नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लफड़ा है नहीं। चलो तो इसके हम लोग क्या करेंगे, क्या ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसमें आपको स्मॉल जी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको सेम सिचुएशन है, वही बॉम वही कहानी, ठीक है, वही बॉम वही कहानी, मास ऑसिलेट करना चाह रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नहीं, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, सेम सिचुएशन है, हमने यहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं रखा था, ग्रेविटी रखा था है ना, मतलब नीचे के फोर्स लग रहा था बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर हमने ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लिया कि नीचे की ओर फोर्स नहीं लग रहा है, जो अर्थ खींचती है वो फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि इस केस ग्रेविटी फ्री अगर स्पेस कर दे तो टी डैश क्या होगा, व्हाट विल बी द टी डैश, टी डैश इक्वल टू क्या होगा आपको ये भी बताना है। आया अच्छा बताओ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसको नीचे की ओर ना, क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन फोर्स लगेगा, चलो ये एक ई लगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता तो ये ऊपर की ओर फोर्स लगता, तो चलो ये की का वैल्यू क्यू इनटू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स लगता है जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक की तरफ में क्यू इनटू ई चार्ज इनटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो यहां पर ये हो गए एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, तो आपको पता है एक्सीलरेशन के लिए कितना होता है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस चार्ज इनटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, ठीक है, ये ना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ने बताया था ई बाय एम, यहां चार्ज क्यू है पी बाय एम, तो आपको ये एक्सीलरेशन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। अब ये सवाल है यार,
यहाँ टाइम पीरियड हमको कैलकुलेशन, टाइम पीरियड के फॉर्मूला में तो जी बोलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट हमने तो यहाँ ग्रेविटी के लिए स्पेस रखा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला करेंगे 2 पाई के रूट में ले पाई जी, जी का मतलब हो गया ग्रेविटी, और हमने तो आपको ग्रेविटी के लिए स्पेस दिया है। इसका मतलब हुआ ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है रोल प्ले करेगा जी का, मतलब जी इफेक्टिव यही हमारा होगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दो दो फोर्स नीचे, मतलब दो दो एक्सेलरेशन, एक ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन और एक हमारा फोर्स लग रहा था उसका एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, तो दोनों जुड़ गया था। यहाँ पर ग्रेविटी के लिए स्पेस है तो स्मॉल जी नहीं है, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन है, ये वाला एक्सेलरेशन तो रहेगा ना। यहाँ यहाँ जी की जगह पर आपको ये भी वाला एक्सेलरेशन लेना है। जी इफेक्टिव, इस जी का रोल कौन सा प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो एक्सेलरेशन आया ये हमारा रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर l पाई जी, जी को लेते हैं जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव कौन होगा, ये भी वाला एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो तो उस चार्ज पार्टिकल पर, उस बॉब के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल चार्ज रखा है प्लस के, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो रोल प्ले करेगा इस जी इफेक्टिव का। तो लिख दो क्यूई बाय ए होगा फॉर्मूला। आप क्या करोगे यहां से एम को यहां से ऊपर ले लोगे एम एल बाय क्यू इनटू ई। तो यहां पर अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस देते हैं तो आपका ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है तो आपका टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला हो गया। करना कुछ नहीं है भाई, करना क्या है, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है तो एक नीचे जी काम करेगा और एक और इस फोर्स की वजह से जी काम किया तो ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी हो गया। अच्छा यहां पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो आपको जी का रखना है नहीं, बट ये वाला एक्सेलरेशन तो रहेगा क्योंकि भाई ये तो रहेगा ना, दूसरा फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है वो तो रहेगा आपका। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं जिस पर फोर्स इस डायरेक्शन लगता तो नेट एक्सेलरेशन कितना होता यहाँ पर, अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस रहता, ग्रेविटी फ्री स्पेस रहता ठीक है, या फिर ग्रेविटी रहता, मान लो ग्रेविटी रहता तो नीचे में जी या माइनस ऊपर वाला नेट हो जाता ठीक है। अगर ग्रेविटी रहता तो जी माइनस ये क्वेश्चन करवाएंगे जस्ट इसके आगे करवाएंगे ठीक है। चलो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस रहे तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आ गया, अगर ग्रेविटी है तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या कर रहे हैं इसी में, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि हम प्लेट्स को इंटरचेंज कर दें, प्लेट्स को इंटरचेंज कर दें, इसी का सेकंड इफ प्लेट्स आर इंटरचेंज, प्लेट्स आर इंटरचेंज देन पीडीएस क्या होगा, मतलब ये कहानी बोल रहा है ऊपर में आप माइनस चार्ज दे दो और नीचे में प्लस चार्ज, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, ग्रेविटी है यहाँ पर ठीक है, तो प्लेट्स ऊपर इंटरचेंज कर दें तब क्या होगा पीडेस ठीक है। तो पीडेस की तो फॉर्मूला हमारा जी इफेक्टिव चाहिए ना, जी इफेक्टिव हमको रख रहा है तो आप जी इफेक्टिव देखो क्या से, चलो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इस पर पॉजिटिव चार्ज किया गया बॉब के ऊपर। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही सीधे हो जाएगा, अगर हम इस प्लेट को इंटरचेंज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, बॉब वही है जिस पर चार्ज ये है ना, सेम है पेंडुलम वैसे ही है ठीक है, बस प्लेट को हम इंटरचेंज किए हैं। तो अब आपको बताना है कि पीडीएस क्या होगा, आ जाओ बताओ तो इस पर फोर्स किस तरफ लगे, पॉजिटिव पार्टिकल है ना, पॉजिटिव पार्टिकल के लिए फोर्स लगेगा इस पर, नेगेटिव तो लगेगा है ना, नेगेटिव तो लगेगा ना, ऐसे देखो ये पॉजिटिव पार्टिकल है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नेगेटिव के कारण उल्टा पार्टिकल तरफ भागेगा,
मतलब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, है ना? इस पर फोर्स ऊपर भी लगेगा और एक जो जी है वो नीचे की ओर वर्क करेगा। तो नेट यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो? नेट जो जी डैश है एक्सेलरेशन जो इफेक्टिव जी इफेक्टिव कर सकते हो, बताओ? तो नीचे की ओर जी काम कर रहा है और ऊपर की ओर कितना काम करता है यहाँ पर एक्सेलरेशन? बोलो एक्सेलरेशन में कितना? यू ई बाई एम, है ना? तो और बड़ा लिख क्या यहाँ पर ऊपर की ओर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? क्यू ई बाई एम। अब देखो तो नीचे की ओर जी एक्सेलरेशन है और ऊपर की ओर ये एक्सेलरेशन है ना? ऊपर की ओर फोर्स लगा तो ऊपर की ओर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो कितना हो जाएगा? जी डैश हेयर जो जी डैश है हमारा कितना हो जाएगा? जी माइनस ए। सिंपल, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला ए तो नेट होगा, कितना हो जाएगा? जी माइनस जी डैश ए का वैल्यू कितना? क्यू ई बाई एम। ए हमारा जी डैश का वैल्यू है। अब आप टाइम पीरियड का फॉर्म नाउ टाइम पीरियड का फॉर्म क्या होता है? टाइम टू पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या है आपका? यही तो आया जी इफेक्टिव, जी माइनस क्यू ई बाई एम। यहाँ से टू पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव कितना आया? जी माइनस क्यू ई बाई एम, जी माइनस क्यू ई बाई एम। ठीक है, तो यही हमारा टाइम पीरियड निकला एडेस। ठीक है, तो बस एक ऊपर की ओर फोर्स लग गया तो ऊपर वाला एक्सेलरेशन माइनस हो गया तो हमारा जी इफेक्टिव निकल गया और वही जी इफेक्टिव यहां पर पुट हो गया। ठीक है, चल ठीक है। हाँ, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस देंगे तो नीचे का तो एक्सेलरेशन काम करेगा नहीं, ठीक है? चलो अब इसी का एक और केस बना रहे हैं। ग्रेविटी फ्री वाला हटाते हैं, इसी का एक और केस बना रहे हैं। केस नंबर वन था जिसका ये फेल हुआ है, केस नंबर टू में हमने प्लेट को इंटरचेंज किया, इसी का केस नंबर थ्री कर रहे हैं हम लोग। अब प्लेट को ऐसे कर दिया गया, प्लेट को हम रीअरेंज करते रहे एक और तरीके से, प्लेट को हम ऐसे करते रहे अरेंज, इधर पर प्लस 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 प्लस, इस तरफ माइनस, ठीक है? माइनस 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 माइनस, ठीक है? यहाँ पर हमारा ऐसे लटका हुआ था पेंडुलम, इस पर प्लस की चार्ज, ठीक है? ठीक है, ये बॉक्स के ऊपर प्लस की चार्ज, सेम कहानी है, बस प्लेट को ऐसे ना घुमा के ऐसे कर दिए, ठीक है? सिस्टम वैसे ही है ना? हमने ये प्लेट को ऐसे, ठीक है? ऐसे से, ऐसे कर, ऐसे से, ठीक है? सिस्टम वही है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि पीडेस क्या होगा। फर्स्ट केस में ये हमने देखा पीडेस टैंकलेट का फॉर्मूला है, सेकंड केस में हमने ये देखा, थर्ड केस में हम ये देख रहे हैं कि जब प्लेट ऐसे था ऐसे कर दिए तो डीडेस में ओके। हाँ, तो आज अब यहाँ पर भी देखेंगे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, बताओ ये पॉजिटिव पार्टिकल है ना, तो पॉजिटिव वाले डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये होगा ना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही? तो एक तो इस तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एक एक इस तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, चलो एक तो एक्सेलरेशन हमारा इस तरफ मान लिया एक्सेलरेशन, एक्स एक्स मान लेते, कितना वैल्यू होगा इसका? क्यू ई बाई एम, कितना वैल्यू होगा इस
इसका एक्सेलरेशन था qv/m। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, qv/m। बिल्कुल सही। अब ये बॉब के ऊपर एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन भी तो ग्रेविटी वो तो काम करेगा ना, एक नीचे की ओर यहां तो यहां पर भी हमको g इफेक्टिव निकालना होगा, क्योंकि आपको टाइम पीरियड के फॉर्मूला में आया है, टाइम पीरियड के फॉर्मूला क्या है, 2π√l/g का मतलब g इफेक्टिव, तो आपको g इफेक्टिव का ही लगता है ना। हां g इफेक्टिव अरे तो g इफेक्टिव सोचो यहां पर एक एक्सप्रेशन ऐसे था और एक एक्सप्रेशन नीचे की ओर है, तो हम इसको थोड़ा सा यहां पर ले रहे हैं, एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, एक एक्सेलरेशन आपका जी इस तरफ था, तो आपको पता है सिंपल सा प्रोसेस है यार, यहां रिजल्टेंट कर देना है इसके दोनों का, रिजल्टेंट किया जी से कि वो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, इधर रिजल्टेंट कर लेगा और 90 डिग्री पर है, तो आपको पता है रूट अंडर ए1 ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी होता है, बट cos 90 तो जीरो ले लोगे ना, तो कहां निकलेगा 2ab का। हाँ तो जी आप यहाँ पर जी इफेक्टिव पता कर रहे हो, जी इफेक्टिव कर लो या जी डैश कर लो जो भी कर लो, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट्स ऑल, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, एनी जी इफेक्टिव आया, अब आप यहाँ जी इफेक्टिव लोड डाल दो बस काम ही कर, ठीक है, ये जो जी इफेक्टिव आया यहां पर डाल दो, इसको जी इफेक्टिव को हटा के ये डालता तो आपको टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया, ठीक है, तो आपको अगर यहां पर दिख रहा है वो k' इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l l पाई रूट अंडर दिखेगा यहां पर, दिख जाएगा, दिख जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, ऊपर भी जाएंगे, चलो ठीक रहा है, तो q पाई रूट अंडर l बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव हमने बताया रिजल्टेंट निकाल करके, तो जी स्क्वायर प्लस क्यू टी बाई एम का स्क्वायर, बस तो पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव रिजल्टेंट आया ना पार, ये हो गया, तो हमने एक क्वेश्चन को तीन अलग अलग तरीके से बताया आपको, एक पहला सिचुएशन ये था, ठीक है, दूसरा सिचुएशन में प्लेट को उल्टा कर दिया और तीसरा सिचुएशन में ऐसे कर, तीसरा सिचुएशन में ऐसे, और एक इस एक और आपको इसमें बताया जिसमें कि ग्रेविटी फ्री स्पेस कर दिए थे, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस का भी क्या होगा, और आसान हो गया ना, नीचे की ओर जी काम कर रहा है तो उसका काम ही खत्म है, तो जो जी डायरेक्शन में फोर्स लगा तो वही एक्सेलरेशन मेरे पास रहा, ठीक है, तो चार चार केस हमने पेंडुलम पर आपको डिस्कस किया, ठीक है, और आई थिंक पेंडुलम से रिलेटेड कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, व्हेन सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, हाँ ये तो खत्म, ये तो बैक, ठीक है, करें करें करें, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले का मतलब मेरा कि जी इफेक्टिव से आपको जी इफेक्टिव पता करना है, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो और अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, दे दे उसका भी भला, अगर क्वेश्चन दे दिया तो भी भला, नहीं दिया तो भी भला, ठीक है, दोनों तरफ जुट जाएगा,
ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऐड का सिचुएशन दे दिया, नहीं दिया तो सिर्फ हमारा जो ए निकल टी वी बाई एम है वही लिख के आपको पढ़ेंगे। मेरे को क्या जितना क्वेश्चन दिया रख दिया आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको आपको क्या बताया हमने कि जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसेगा, इंटर करेगा, है ना, वो टर्न हो जाएगा, ठीक है। आइदर वो ऊपर को टर्न होगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव प्लेट के भागेगा या नेगेटिव प्लेट के भाग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस व्हिच इज एंटरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। आपको ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करना है, डिटरमाइन द ट्रैजेक्टरी, डिटरमाइन द ट्रैजेक्टरी। अब ट्रैजेक्टरी में कल पीछे तो नहीं क्या होता है बाबा, ये कौन सा नाम आ गया, अरे कुछ नहीं, ट्रैजेक्टरी का मतलब इसका पाथ को आपको डिटरमाइन करना, कैसे पाथ बनेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं पूछ देना कि ट्रैजेक्टरी क्या चीज का नाम है सर, क्या क्वेश्चन। हाँ चलो, एक ये फील्ड है, एक यहाँ फील्ड है, फील्ड का मतलब प्लेग्राउंड नहीं, अब फील्ड का मतलब ये नहीं कि प्लेग्राउंड समझ लेंगे जाके सिर्फ बहुत फील्ड कहेंगे, हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रखा है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे दे दिया है, इसने ऐसे दिया है डायरेक्शन दिया हुआ है, अब प्लस माइनस किधर है, किस तरह प्लस है वो आप सोच सकते हो, ठीक है। और इधर में रीजन ऑफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर ये बीच में जो देख रहे हो ना, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस रीजन में, इस इंटायर रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसे लिखने के, ऐसे लिखे नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में ऐसे है और दूसरा ऐसे है, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आपको डिटरमाइन करना है द ट्रैजेक्टरी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल दिया गया है प्लस क्यू में, प्लस क्यू, इसको हम ऐसे फेंकें, ठीक है, यहाँ से, तो आपको इस बेचारे का ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करना है, किधर किधर भागेगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे से ले लें, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं, प्लस की यहाँ पर क्या है, चल यहाँ से ऐसे फेंके हैं, कैसे कैसे भागेगा बेचारे आपने जानना चाहेंगे, यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से तो ऐसे आया, यहाँ बाहर तो फिर था नहीं, यहाँ से फिर क्या होगा, चलें करें आगे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, चलें, यहाँ से ऐसे सीधा जाएगा, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है आपका, यहाँ से फिर क्या करेगा बताओ, ये पॉजिटिव पार्टिकल है ना, तो किधर भागेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर भागेगा, यहाँ से किधर भागेगा, यहाँ से भागते, मान लो ऐसे था, अपने डायरेक्शन में ये डायरेक्शन पर जो है, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से, अब यहाँ से इसको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, यहाँ तो फील्ड है नहीं, तो आपको पता है कि जब फील्ड ही नहीं है तो स्ट्रेट जाएगा, जैसे यहाँ पर स्ट्रेट गया, फील्ड नहीं है तो स्ट्रेट,
फिट रहेगा तब ना हम जाएंगे प्लेट पॉजिटिव की ओर भागेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागेंगे या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो क्या मस्त एकदम सीधा चलेगा आपका, है ना। जब यहाँ से मस्त इसको यहाँ से यहाँ मस्त सीधा जाएगा यहाँ से यहाँ मस्त स्ट्रेट गया। अब यहाँ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, बहुत बड़ा इशू, फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब क्या करेगा, कोई भी पार्टिकल है ना, कोई भी पार्टिकल है ना, क्या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इधर है, ऐसे जा रहा था, जा ऐसे में पास ज्यादा जा रहा था, है ना। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो अलोंग द डायरेक्शन टर्न हो जाएगा, टर्न कर दो यहाँ से जहाँ पर ऐसे जा रहा था, सीधा जाना जा रहा था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया ना, तो मिल गया यहाँ से D by 4 in
the field as shown in figure. As shown in figure. Find the minimum speed to so that it just touches the lower plate. ठीक है, a charge q is drawn from a distance of d by 4 in the field as shown in figure. Find the minimum speed so that it just touches the lower plate. मतलब बहुत कितने स्पीड के साथ इसको हम थ्रो करें कि जस्ट टचे द प्लेट, इस प्लेट को छोड़ के जस्ट टच करके बाहर निकल जाए. कितने स्पीड के साथ इसको थ्रो करें, मतलब बिना को बता रहे इसे वेलोसिटी क्या देंगे इसको, जस्ट टचे द लोअर प्लेट. मतलब आपको पूछा है कि वी नॉट क्या होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए. मान लो कि 10 मिनट पर सेकंड देने से यहां से गुजरा, 15 मिनट पर सेकंड तो और आगे चले गए, तो और अच्छा. लेकिन आपको मिनिमम स्पीड कम से कम स्पीड बताना है सो दैट कि जस्ट टच द दिस इंड ऑफ द प्लेट. हां, करना कुछ नहीं है, क्या करना है उसको करना होगा, नहीं कैसे करना है. हां, ये प्लेट का डिस्टेंस दे रखा है, प्लेट का डिस्टेंस मान लो l, प्लेट का डिस्टेंस l है, लेट दिस लेट. ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, करना कुछ नहीं बच्चों, काफी सिंपल प्रोसेस है, टेंशन नहीं लेना. x और y एक्सिस में इसको तोड़ देना, x और y में हम इसको तोड़ देते हैं दोनों का पॉइंट. ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, हम पॉइंट लगाते हैं x इक्वल टू, यहाँ से आपको t का फलन बताया था ना, x बाई बी नॉट, x बाई बी नॉट मतलब यू वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनिशियल वेलोसिटी. तो वही चीज क्या लिखे, क्या लिखे, यू टी प्लस हाफ एक्सप्रेशन अलोंग y एक्सिस. हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, आपको t का यहां से वैल्यू निकालो, t का यहां पुट कर दो, डायरेक्ट लगा दें आपको याद है तो. अंदर की चीज और क्या होगा, x बाय इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और गेन और निकालना है, डायरेक्ट लगा देते हैं. तो यहां से टाइम का फॉर्मूला की तो x बाय d नॉट ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी, तो ये लेंथ हम l दिए हैं, डिस्टेंस l दिए हैं बाय इनिशियल वेलोसिटी मान लिया d नॉट. ठीक है, मिल गया है एक्सप्रेशन लॉग दिस एक्स इज जीरो ना, बिकॉज पर्टिकुलर टू बिट फोर्स लगता नहीं है, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके अलावा तो पहले ही नहीं ना. आ जाओ यहां पर डायरेक्ट क्या देगा, डिस्टेंस इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू पता है हाफ इनटू एक्सप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू टी एक्स पर ए पर लगाना, क्योंकि ut plus half radius पर यूज करेंगे, ut u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस सॉरी y एक्सिस, तो हमने तो y एक्सिस के अलोंग लेना ही नहीं है, तो u y इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का नहीं खत्म, तो हाफ इंटरप्रेशन टाइम का स्क्वायर रह गया, बस वेरी सिंपल. और ये कितना डिस्टेंस कवर किया, d by 4 का डिस्टेंस लिए हमने, यहां पर हम d by 4 हाफ इनटू एक्सप्रेशन अलोंग y एक्सिस कितना ue by m, ue by m e by m into time का स्क्वायर, time का यहाँ से ले लो l by b naught, l by b naught, ठीक है, इसका स्क्वायर करो. ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ये b naught निकालना है, तो आप इधर उधर लेफ्ट राइट करके निकाल, ठीक है, कितना बेस b naught निकल जाएगा यहाँ से, फर्स्ट सॉल्व इसी को पढ़ कर रहे हैं हम, ऐसे कर लेते हैं 2 से 2 घटा देते हैं. ठीक है, हमको v नॉट चाहिए, तो v नॉट का स्क्वायर यहां लाओ और d by 2 को इधर ले आओ, तो 2 by d हो जाएगा. करो 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 करो, हां तो हम यहां ऐसे करते हैं, t by 2 is equal to v by m into l स्क्वायर by v नॉट का स्क्वायर. ठीक है, t by 2 is equal to हाफ इनटू एक्सप्रेसिव टाइम का स्क्वायर इन बाय v नॉट. ठीक है, एल स्क्वायर और वी नॉट का स्क्वायर, इसको यहां ला दो, इसको दोनों को यहां कर दो. ठीक है, तो वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा u बाय m इनटू एल स्क्वायर बाय, यहां से टू डिवीजन में है, दूसरे अध्याय तो मल्टीप्लाई में l मल्टीप्लाई में, तो डिवीजन में मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और l नीचे, सॉरी l नहीं, t इसकी
हाँ जी अब आपको निकालना क्या है भी नॉट निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ यहाँ को डाल दो एल स्क्वायर करो फिर बाहर तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर करो निकल गया ना तो एल हम बाहर डाल देते हैं एल बाहर निकल गया बाकी रह गया टू ई पी बाई एन डी तो सही है और इससे अगर थोड़ा सा वेलोसिटी ज्यादा हुआ स्पीड ज्यादा हुआ तो आगे फायदे अपडेट से कम इतना वेलोसिटी को होना चाहिए कम से कम इतना वेलोसिटी होना चाहिए सो दैट इट जस्ट टचे द दिस एंड ऑफ प्ले ठीक है चलो आज का लेक्चर पार्ट होता है खत्म आज के लेक्चर पार्ट में इतना ही था है ना कि रिफ्लेक्शन एंगल निकालने के लिए जिसका थीटा निकालने के लिए कि कितना एंगल से बजेज आउट क्योंकि हमने नहीं करवा पाया इस लेक्चर में है ना करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं मोमेंटम निकालना है काइनेटिक एनर्जी निकालना है एंड सो ऑन बहुत सी चीज़ें बट दिस लेक्चर में इतना ही करना था सो ऑल द वेरी बेस्ट ट्राई करते रहें मिलते हैं एक नए से टॉपिक के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का जैसा कि मेरा ठीक है तब तक के लिए ट्राई करते रहें ऑल द वेरी बेस्ट